Hey guys, welcome back to Mishika's family channel and I'm Megha, Mishika की बबनी. So guys, मैं हमेशा की तरह इस टाइम पे ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. इतने दिन से आप मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी प्लीज़ हमें कोई ऐसा ऑयल बताइए जो हमारे बाल को झड़ना, हमारे बाल को उगाने में और हमारे बाल को बड़ा करने में हेल्प करे. तो आज इन तीनों चीज़ों के लिए मैं एक ऐसा ऑयल लाई हूँ और आपकी हेयर ग्रोथ में और आपके बालों को मोटा कर दे. चारों यूज़ के लिए एक ऐसे ऑयल को लाई हूँ कि ये जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसको काफ़ी हद तक सुधारेगा. सो मैं आज आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ नेचर श्योर का जोंग तेल लीच ऑयल, जो कि आप लोगों को पता है जोंग तेल किसको बोलते हैं. जोंग यानी जो कि लीच, यानी कि वो जो पानी में नहीं होती है, जो मतलब ऐसे मैं तो गांव से हूँ तो मुझे पता है उसको हमारे यहाँ पे गौच बोलते थे. और मैं आप लोगों को बता दूँ कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी खेती किसानी होती है तो वहाँ पे तालाब होता है, तो तालाब में जब पानी होता है तो वहाँ पे वो जोंक होती है, यानी कि जो लीच होती है जिसको लीच बोलते हैं, वो वहाँ पे पानी के आजू बाजू होती हैं, मतलब पानी के पास ही होती हैं. यहाँ पे जहाँ पे पानी जाती है, जहाँ पे पानी होता है और कीचड़ होता है. जब मतलब हमारे यहाँ पे पता चल जैसे किसी का बाल झड़ गया है, जो बिल्कुल एकदम जिनके बाल मतलब है ही नहीं और उनके बाल भी जड़ से आए हैं, मैंने ऐसे स्टोरी और मैंने खुद देखा है तो मैं उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मतलब इस ऑयल की मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब उस टाइम पे हमारे यहाँ पे मतलब इतने पुराने टाइम से ये चीज़ चल रही है, मैंने खुद बचपन में ये चीज़ देखी है कि मतलब हमारे यहाँ पे जब खेत से वो पकड़ के लाते थे, कौन लोग जो हमारे खेत के बटियार लोग होते थे वो पकड़ के लाते थे एंड उसको किसी भी ऑयल में पका देते थे और पकाने के बाद जो ऑयल होता था उसको डाल के उससे आप अपने बाल बहुत अच्छे कर सकते थे. तो मतलब वो तो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन आजकल कहाँ मिल रही हैं, वो नहीं मिलेंगी और मिल भी जाएंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ढूंढना, फिर उनको पकड़ना, उनको पकाना, छी मतलब ये थोड़ा सा वैसा वियर टाइप का हो जाएगा क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा घिनाती थी. और उसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर जैसे मान लो मेरा यहाँ पे कोई बाल नहीं है, ठीक है, ये मेरी ये जगह है और यहाँ पे बाल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उस लीच को लेना है और यहाँ पे रख देना है, आपके बाल वहाँ पे मतलब आ जाएंगे ऐसा भी माना जाता है. क्योंकि उनकी जो लार होती है ना, जो वो अपनी लार निकालते हैं उसी में वो इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से आपके जो हेयर हैं वो निकल आ जाते हैं, तो उनकी उनकी जो लार होती है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. तो ये स्टोरी है इसके पीछे की कि मतलब मैंने खुद इस चीज़ को सुना है और देखा भी है. तो मुझे जब ये चीज़ पता चली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये ऑयल कि चलो मतलब कुछ ऐसे भी ऑयल हैं कि चलो हम नहीं वो चीज़ कर सकते तो कम से कम हमारे पास एक ऑप्शन तो है. तो ये सब मैं इसलिए ट्राई कर रही हूँ. आप लोग सोच रहे होंगे कि दी पहले तो आप खुद ऑयल बनाते थे और ये और वो, तो क्या है, देखो पहले मैं फ्री रहती थी और पहले मेरे पास टाइम ही टाइम होता था. अब जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है तब से मेरे पास टाइम कम होता है, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें मुझे बनी बनाई मिल जाए, इनफैक्ट मुझे तो खाना बना बनाया मिल जाए तो मैं खा लूँगा, फ्री हो जाऊँ. जब बनाने की बात आती है तो मैं बहुत आलस खा जाती हूँ. सो मैंने जब इस ऑयल को देखा तो मैंने इसको फटाक से मंगवा लिया. और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किस किस चीज़ के लिए आपके लिए इफ़ेक्टिव है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी हेयर लॉस अगर आपको हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसके लिए, हेयर फॉल के लिए, मतलब हेयर लॉस के लिए है, हेयर फॉल के लिए है और मतलब अगर आपकी हेयर ग्रोथ कम है सो उसको भी मतलब फास्ट करेगा और आपके स्कैल्प को प्रमोट करेगा एंड नारिश करेगा आपकी हेल्थी हेयर को. सो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी हेयर के लिए कि उसको अच्छे से नारिशिंग मिले और आपके स्कैल्प को भी काफ़ी अच्छा, मतलब एक चीज़ ऐसी होती है ना कि आपने कोई चीज़ यूज़ की तो वो स्कैल्प पे सूट नहीं कर रही है, तो किसी को छोटे छोटे दाने या फिर खुजली स्टार्टिंग होने लगती है, तो ये सब इसके साथ नहीं होगा. अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूँ तो इसका यूज़ काफ़ी ईजी है. जैसे आप ऑयल को लगाते हो, किसी भी ऑयल को लगाते हो, उस तरीके से आपको इसको लगाना है. और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये 250 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा. वैसे तो इसका जो प्राइस है वो है 239 रुपीज़, लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि 200 के समथिंग आपको मिल जाएगा. अगर इसकी पैकेजिंग की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ये पैक होके आता है, ये मैंने इसमें फंसा दिया है, पहले से फंसा नहीं था. देन आपको इसको ओपन कर
करना है और ये टॉप ओपन है, मतलब कि आपको इस तरीके से ओपन करना है और आप इससे अपना जो ऑयल है वो निकाल सकते हो। और मैं इस ऑयल के बारे में इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इसकी स्मेल थोड़ी सी आपको ऐसी लग सकती है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, तो इसलिए वो थोड़ी सी बदबूदार भी लग सकती है। लेकिन कई बार होता ना कि देखो, हम जब तक दवाई नहीं खाएंगे ना तब तक हमें उसका इफ़ेक्ट कैसे मिलेगा हमारा। अगर हमें फ़ीवर आता है तो हम दवाई नहीं खाएंगे तो हमारा फ़ीवर जाएगा कैसे? तो उसके लिए आपको इसको यूज़ करना चाहिए। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो चलिए देखिए, अभी वैसे मेरे बालों में कुछ नहीं है तो मैं दो चिमटियाँ लगाई हुई थी तो उनको निकालूंगी। और आपको कुछ नहीं करना है, आपके अगर बाल सुलझे हैं तो बस आप थोड़ा सा इस तरीके से इसे ऑयल को लीजिए इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसका थोड़ा सा येल्लो सा कलर है, थोड़ा सा चिकना है काफ़ी ज़्यादा, जैसा मैंने बोला है उसकी लार होगी ना इसमें, तो उस तरीके से उसका टेक्स्चर है। अगर मैं स्मेल की बात करूँ तो उतना ज़्यादा बुरा नहीं है कि आप इसको मतलब बदबूदार नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि फ्रेग्रेंस है वो अच्छी नहीं है। और आप इस तरीके से अपने जिस तरीके से ऑयलिंग करते हो उस तरीके से करो। तो सबसे पहले मैं कोई भी ऑयल लगाऊँ उसके पहले मैं अपनी जड़ों में लगाती हूँ, और इसे मैं महीने में 2 से 3 बार लगाती हूँ, बाकी वरना फिर मैं कोई दूसरा ऑयल लगाती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसे डेली यूज़ करो, मैं ऑयलिंग हर 2-3 दिन में करती हूँ, तो मैं हर टाइम इसी ऑयल को यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने अभी इसको 1 महीने यूज़ किया, यानी 3 बार यूज़ किया है, और ये मेरा मतलब 3री बार यूज़ कर रही हूँ मैं। तो मुझे 2 बार में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका इफ़ेक्ट मिला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं फुल अपना जो हेयर केयर है वो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप इस तरीके से अपनी जो ऑयलिंग है वो कर सकते हैं। मसाज करते करते आपको इस ऑयल को करना है, और आपको ध्यान देना है कि आपको स्कैल्प पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑयलिंग करनी है। और उसके बाद आप बस आपको कुछ नहीं करना है, अपना अच्छा सा चोटी डालना है चोटी डालो, जूड़ा डालना है जूड़ा डालो, और देन इसके बाद आप क्या बोलते हैं सो जाइए और सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। तो हो गया ना कि मतलब रात में आपको इसको लगा के सो जाना है। सो ये आपके लिए हो गया ना एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव चीज़ कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम आपकी एक बार में सॉल्व हो जाएंगी। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, और यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप गाइस कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस हेयर ऑयल को अच्छे से अपने बालों में डाल लूँ। अगर मैंने ऑयलिंग कर ही ली है तो अच्छे से कर लूँ। चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।